दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा और शासक श्री महाराजा छत्रपति शिवाजी जी के बारे में। दोस्तों भारत में 1630 में हुआ उनका जन्म शिवनेरी किला के पास में हुआ था। मराठा साम्राज्य के आधार स्थापित किए थे छत्रपति शिवाजी ने, जिसका भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है उनका। श्री महाराजा शिवाजी का बहादुरी से भरपूर योद्धा होने का अलावा उनके भारत की रक्षा के लिए भी काम आने वाली मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों श्री महाराजा शिवाजी के शासन के काल में भारत में महत्वपूर्ण सफलता की भी भरा चर्चा भी है। उन्होंने एक मजबूत नाभी और सेना का विकास किया था और उनको भी हालांकि भारतीय नाभी का भी जनक माना जाता है। और ये किया इसलिए कि वो जिन मुगल आक्रांतों से अपने आक्रांतों के खिलाफ अपने राजधानी की रक्षा करने के लिए ये सब स्ट्रेटेजिक सब प्रयोग किया था। उन्होंने कुछ प्रशासनिक सुधारों को भी लागू किया, जिसमें स्थानिक समुदायों को अपने आप के प्रशासन को स्वतंत्रता से संभालने दिए गए थे। श्री महाराजा शिवाजी का सांप्रदायिक सहिष्णुता के प्रति भी बहुत अधिक सम्मान था। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को सम्मान से ट्रीट किया था और विशेष रूप से सूफी संत बाबा तुकाराम से बहुत प्यार करते थे। श्री महाराजा शिवाजी को यह मानना था कि शासन के अच्छे प्रबंधन के रास्ते में धर्म को रोका नहीं जाना चाहिए और उनके शासनकाल में एक सेकुलर और इंक्लूसिव स्पिरिट का जीवन भी होता है। श्री महाराजा शिवाजी के एक बहुत प्रसिद्ध सफलता थी उनकी मुगल बादशाह औरंगजेब के महल में 1666 में किए गए साहसिकता को लेके। ये जो साहसिकता भारत के इतिहास में सबसे हिम्मतकार मिलिट्री कार्यों में भी माना जाता है। श्री महाराजा शिवाजी के बहादुर और स्ट्रेटेजिक का देन है जो ये मुगल बादशाह औरंगजेब के घर में जो रेड किए थे। तो दोस्तों श्री महाराजा छत्रपति शिवाजी भारतीय इतिहास के एक सच्चे हीरो है और उनकी बहादुरी और नैतिक शक्ति और नए मिलिट्री स्ट्रेटेजिक आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको छत्रपति शिवाजी के बारे में जो सीख कर अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको भारतीय इतिहास जुड़े और भी वीडियो मिल सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे चैनल पर आने। जय हिंद, जय शिवाजी, जय भवानी।